दोस्तों चूंकि आईपीएल अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है और अब यहां से बस 28 मई को होने वाले फाइनल का ही मुकाबला बचा है, ऐसे में अब इंडियन टीम की नजर भविष्य में होने वाली उन द्विपक्षीय सीरीज पर होगी जिसे टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के बाद खेलने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया एक द्विपक्षीय सीरीज उनके पड़ोसी देश से भी खेला जाना है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जून के महीने में ही खेला जाने की आशा है। ऐसे में कौन है वो देश जिसके साथ खेलेगा भारत और कब से शेड्यूल है ये सीरीज बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों खबरों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के बीच जून के ही महीने में 20 से 30 जून के बीच में एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जाने तय किया गया है जिसमें कि अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले लगातार व्यस्त स्केड्यूल होने की वजह से इस द्विपक्षीय सीरीज में कुछ बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीरीज के लिए जहाँ कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है वहीं कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस द्विपक्षीय सीरीज में अफगानिस्तान साथ भारत की तरफ से खेलते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अभी यह खबर सूत्रों के हवाले से बाजार में तैर रही है, ऐसा अनुमान लगाकर चला जा रहा है कि हो सके तो बीसीसीआई सीरीज को पोस्टपोन भी कर सकती है। ऐसे में अभी कुछ भी पुख्ते तौर पर कह पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो की आईपीएल का फाइनल देखने बीसीसीआई के निमंत्रण पर भारत आए हैं उनमें अभी इस सीरीज के बारे में बात करनी बाकी है। ऐसे में यह अनुमान लगाकर चला जा रहा है कि इस बातचीत के बाद बीसीसीआई इस सीरीज का अनाउंसमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान कर सकती है जिसमें कई सीनियर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप को देखते हुए आराम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त होने वाला है। आईपीएल खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने जाएंगे। इसके बाद वहाँ से आने पर फिर वेस्टइंडीज के साथ एक फुल प्लेज सीरीज जो कि जुलाई के महीने में खेली जानी है उसका भी घोषणा किया जा चुका है जिसमें भारत 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 टी20 खेलती नजर आएगी। इसके बाद फिर सितंबर के महीने में भारत को एशिया कप खेलना है और अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में ही होना है। ऐसे में यह अनुमान लगाकर चला जाया जा रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले इतने व्यस्त स्केड्यूल के कारण कहीं ये सीरीज कैंसिल न कर दी जाए, लेकिन अगर बीसीसीआई और अफगानिस्तान बोर्ड के बीच इस सीरीज को लेकर कुछ सहमति बनती है तो ऐसे में हमें आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ युवा खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे। इसमें भी सबसे प्रबल नाम जो 2 खिलाड़ियों से निकाल कर आ रहा है वो यशस्वी जायसवाल और कोलकाता की तरफ से खेलने वाले उनके सीजन के बेस्ट फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह को मौका दिया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो इस सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को आराम दिया जा सकता है। वहीं कप्तान के तौर पर हमें सीरीज में कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ सकते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये सीरीज जो भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली है इसका आयोजन किया जाता है या फिर इसको वर्ल्ड कप के बाद के लिए टाल दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों देशों के बीच ये सीरीज खेला जा पाना मुमकिन होने वाला है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।